पार्टी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और जिला पंचायत सीईओ बुधवार को विकासखंड के ग्राम चौकी पहुंचे, जहां कलेक्टर और सीईओ ने प्राथमिक पर माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने उपस्थित विद्यार्थियों को गणित के सवाल हल करने की विधि सरल शब्दों में बोर्ड पर समझाई, साथ ही विद्यार्थियों से बोर्ड पर गणित के सवाल भी हल करवाए। इसके बाद कलेक्टर ने चौकी में संचालित उचित मूल्य दुकान का भी निरीक्षण किया। ग्राम बोकराटा में बन रहे मार्ग में अवरोधक बने मकानों का निरीक्षण कर निर्माण एजेंसी के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। विकासखंड पांचेमल के ग्राम अंबा पड़ावा के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण करने के दौरान शिक्षक विमल मालवीय मौके से अनुपस्थित रहे। इस पर उन्होंने प्राथमिक शिक्षक को निलंबित करने के आदेश दिए। वहीं अनुपस्थित दो अतिथि शिक्षक अमित डोडवे एवं अधिक मोरे को बर्खास्त करने के आदेश भी दिए हैं, जबकि मौके पर उपस्थित मिले दो अतिथि शिक्षक गणेश चौहान एवं अंकलेश असीले को कर्तव्य परायणता की भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। आज हमारा बुधवार का दौरा हमारा फिक्स रहता है, दौरे का दिन रहता है, तो मैं और सी जिला पंचायत आज एक ऐसे रास्ते से आए हुए हैं जो काफ़ी दुर्गम है। बोकराटा से खेतिया जो रोड बन रहा है MPRDC तरफ से, उस रोड से आए हुए हैं, तो काफ़ी दुर्गम रास्ता भी है। और उसमें उस दौरान में बीच में हमने रोड भी देखा है, उससे पहले स्कूल देखे, उचित मूल्य दुकान देखी, हम लोग जल जीवन मिशन के काम भी देख रहे हैं। और इसके अलावा अभी कल एक बाइक और गांव के लोगों ने शिकायत किया था, तो वो वाले लोगों से भी हमने आज दोबारा चर्चा किया, उनका रिकॉर्ड पूरा देख रहे हैं। इसके बाद में भी हम लोग अभी हमारे जो पंचायत के निर्माण कार्य वगैरह वो भी हम देखेंगे। पूरा रैंडम दौरा है, कुछ स्कूल में जो अनियमितता चल रही है, टीचर जाते नहीं हैं, उसके लिए मैंने कल ही 13 लोगों को सस्पेंड किया हुआ, और आज पार्टी में फिर वो स्थिति निकली है। पार्टी में भी आज काफ़ी टीचर दोबारा चेक कराया गया, तो आज पहुँचे नहीं है। और रास्ते में एक अम्मा पाड़ा गाँव में हम लोग भी गए, वहाँ पर भी एक हमको मालवीय करके टीचर था, वो भी एबसेंट मिला था, मैंने उसको भी सस्पेंड कर रहा हूँ। कुछ अतिथि शिक्षक हैं वो भी एबसेंट है, उनको भी बर्खास्त करेंगे। तो ये इस तरह से 1.5 साल बाद में कोरोना के बाद में स्कूल निकले हैं, और अभी भी शिक्षकों की इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। मैंने पूरे ज़िले की शिक्षा विभाग की टीम को अलर्ट किया हुआ है, जितने इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी हैं, कि आप चेक करिएगा और डेली मुझे रिपोर्ट चाहिएगा। और ऐसे लोग जो अभी भी सुधार नहीं करेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। कुछ को नौकरी से बर्खास्त करना हो तो नौकरी से बर्खास्त भी किया जाएगा। पांचेमल आदिवासी मुक्ति संगठन और विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा आज नगर में मुख्य मार्गों पर रैली निकालकर पुलिस थाने पहुंचे, जहां ग्राम पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार सहित अन्य मुद्दों को लेकर SDM के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में आदिवासी संगठनों ने बताया कि पांचेमल विकासखंड में ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना, CC सड़क निर्माण, मेड़ बंधान सहित कई तरह के विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जाँच दल का गठन भी किया गया, लेकिन जाँच दल के द्वारा क्या जाँच की गई, किस प्रकार की कार्रवाई की गई, इस बात का अब तक पता नहीं चल पाया है। ऐसे में आदिवासी जन संगठनों को आक्रोशित होकर ग्रामीणों के हक के लिए आज रैली निकालकर भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपना पड़ा है। रैली में आदिवासी मुक्ति संगठन, आदिवासी एकता परिषद, जयस सहित विभिन्न आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुक्ति संगठन के नेतृत्व में आज के पहले जो है पूरे जनपद पांचेमल में ग्राम पंचायतों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका हम लोगों ने जो है सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद में आज जो है ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हम लोगों ने जो है जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे और भ्रष्टाचार करने वालों के ऊपर जो है कार्रवाई करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। बलवाड़ी भारतीय किसान संघ ने बलवाड़ी कृषि उपज मंडी पहुंचकर मंडी सचिव को 3 प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन देकर मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की है। भारतीय किसान संघ के संयोजक नरेंद्र पाटिल ने बताया कि आज भारतीय किसान संघ के द्वारा मंडी सचिव को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें 3 प्रमुख मांगें रखी गई है, जिसमें धौली और बलवाड़ी मंडी को नियमित रूप से चालू रखने, जिससे किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिल सके, कृषि उपज मंडी परिसर की साफ सफाई कर वहां रखे गए व्यापारियों के माल को हटाने, मक्का फसल के समर्थन मूल्य पर खरीदी करने और भारतीय किसान संघ की बैठकों के लिए कृषक भवन में व्यवस्था करने मंडी सचिव से मांग की गई है। मंडी सचिव ने भारतीय किसान संघ की मांगों के निराकरण का आश्वासन दिया है। ज्ञापन देने के दौरान भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी, सदस्य और किसान मौजूद रहे। आज भारतीय किसान संघ ने मंडी सचिव को 3 बिंदुओं को लेकर ज्ञापन दिया है। इसमें मुख्य रूप से मंडी को पूर्ण रूप से चालू किया जाए, दूसरा हमारा विषय था मंडी से जो इसमें व्यापारियों का कुछ माल डला है उसको खाली किया जाए, और भारतीय किसान संघ की बैठक के लिए कृषक भवन में व्यवस्था की जाए। तो मंडी सचिव ने हमें आश्वासन दिया है कि सोमवार तक हम इस पर कार्रवाई करेंगे।